की लापरवाही से एक बार फिर किसानों की कुंतलों की फसल खराब होने की कगार पर है। गेहूं की धीमी खरीदी के चलते हफ्ते भर से इंतजार कर रहे किसानों का गेहूं बारिश की भेंट चढ़ गया है। दो दिन से हो रही तेज बारिश के चलते गरौठा मंडी में पड़ा कुंतलों गेहूं खराब हो गया। यह मंडी में अनाज रखने की कोई उत्तम व्यवस्था नहीं है। मंडी पूरी तरह जर्जर है, कोई सुनने वाला भी नहीं है। सचिव से लेकर कोई इस ओर ध्यान भी नहीं देता। किसानों का कहना है कि वह करीब 8 दिन से यहाँ गेहूं बेचने के लिए पड़े हैं, लेकिन उन्हें बारदाना नहीं होने की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया जाता है। बीते रोज हुई बारिश से खुले में रखा कुंतलों गेहूं बर्बाद हो गया। अगर सही समय पर तौल हो जाती तो किसानों का ये नुकसान नहीं होता। आपको बता दें कि यहाँ के विधायक भी एक किसान नेता हैं, लेकिन विधायक की कुर्सी मिलने के बाद वह कभी किसानों की सुध लेने नहीं पहुँचते। काफी गेहूं खराब हो गया है, आप खुद देख सकते हैं, यहाँ पे काफी बह भी गया है गेहूं, और का नाम करके कुंतलों मानो मेरा ही नहीं, काफी किसानों का यहाँ पे गेहूं डला है जो बर्बाद हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है रखने के लिए, खुला में गेहूँ पड़ा है, इसी कारण काफ़ी गेहूँ बह चुका। आपका लगभग कितना गेहूँ खराब हो गया? कई क्विंटल गेहूँ खराब हो चुका है। गरौठा से विकास विधवा की रिपोर्ट।